रेडमी नोट 4 के लिए वेब ओएस का ऑफिशियल एंड्रॉयड 11 अपडेट आ चुका है और इस अपडेट के अंदर हमें जो है क्या कुछ मिलता है वो आपको बिल्कुल, क्योंकि फर्स्ट ऑफिशियल बिल्ड है तो आपको यहाँ पर इंस्टॉलेशन के साथ कंप्लीट रिव्यू भी देखने को मिलेगा। हालांकि पहले जो है 4.1 जो इसका वर्जन था उसका अनऑफिशियल आया हुआ था, तो अनऑफिशियल का बनाया था, लेकिन यहाँ पर ये जो है ऑफिशियल है वो भी फर्स्ट बिल्ड है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल कम्प्लीट एक एक फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो हम यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि अबाउट फ़ोन के अंदर 4.5 वर्जन है, फ्लेवर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रस मलाई फ्लेवर कुछ अलग ही अंदाज में है। ऑफिशियल बिल्ड है ये, मेंटेनर नेम रवि और यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन 11। इसके अंदर अगर हम यहाँ पे चलते हैं तो यहाँ पे 5 जून 2021 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच है, 1 अप्रैल 2021 का सिस्टम अपडेट है जो कि गूगल पे, और कर्नल ये 4.9 बेस पर कर्नल है जो कि बिल्कुल स्टॉक सेलिनक्स इन्फोर्सिंग मिल जाता है यहाँ पे। और अगर हम यहाँ पे स्टेटस बार पे चलते हैं तो स्टेटस बार कुछ इस तरीके से वाईफाई यूजर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कितना आप डाटा यूज़ किया वाईफाई पे, एंड यहाँ पे आपका जो टॉगल्स अगर आप टाइल्स देखोगे तो काफ़ी टाइल्स मिल जाते हैं, रीडिंग मोड ये सारी चीज़ें आपकी काम कर रही है तो ये सारे टॉगल्स फिलहाल यहाँ पे मिल जाते हैं। FPS इन्फो ऐसा कुछ नहीं मिलता, 3 डॉट पे आपको रीसेट का ऑप्शन मिल जाएगा और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर आपको जो है कुछ इस तरीके से ऑप्शन मिलने वाले हैं, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो लैग है, लेकिन हैवी लैग नहीं, हल्का लैग आपको यहाँ पे ज़रूर देखने को मिल जाता है इसके अंदर यहाँ पे, और वॉल्यूम पैनल आपको कुछ इस तरीके से मिल जाता है जैसे SP रोम्स में देखने को मिलता है। और पावर मेन्यू के लिए आपको सिंपली, अब अगर आपको पावर मेन्यू में एडवांस रिस्टार्ट इनेबल करना है तो उसके लिए आपको सिंपली सिस्टम के अंदर जाना पड़ेगा, और इसके बाद आपको बटन का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे, जिसके अंदर आपको यहाँ पे तो हार्डवेयर बटन डिसेबल इनेबल के लिए दिया गया, बैकलाइट जो कि काम करती है और सिंगल टैप डबल टैप एक्शन है, लेकिन अगर आप नीचे आते हो तो यहाँ पे आपको इनेबल एडवांस रिस्टार्ट मिल जाता है, उसके नीचे प्लेबैक कंट्रोल है। एडवांस रिस्टार्ट आप देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से जो है आपको इनेबल हो जाता है, तो यहाँ जो है आप इनेबल कर पाएंगे। इसको मैं इस तरीके से रिकॉर्ड किया क्योंकि भूल गया था इस चीज़ के बारे में। और यहाँ पे हमारा जो ऐप ओपनिंग है, ऐप ओपनिंग आपका जो है फिलहाल अच्छा है, इसके अंदर ऐसी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली है, जो है अच्छी आपको मिल जाती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो फास्ट है, हल्का फुल्का अगर हैवी एप्लीकेशन रहती तब हल्का फुल्का आपको नॉर्मली सा लैग फील होगा, लेकिन ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 3 फिंगर स्क्रीन शॉट पर आपको लॉन्ग स्क्रीन शॉट जो कि स्क्रोल का ऑप्शन मिल जाता तो आप जो है कैप्चर कर पाओगे आराम से, इसमें दिक्कत आपको नहीं मिलेगी। ये जो है आपको इस तरीके से रिसेंट मिलता है, और वहीं कैमरा आपका बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कैमरा गो देखने को मिल जाता है, और जी कैम आप आराम से यूज़ कर पाओगे, बस स्लो मोशन वही जैसे कि 8.1 में काम नहीं करता नोट 4 के, तो यहाँ पे वो काम नहीं करेगा, बाकी आप यूज़ कर पाओगे। और यहाँ पे आपका डिवाइस फीचर मिल जाता है, और ये फिलहाल मेरा काम नहीं करता, अगर किसी का काम करता तो कमेंट करके बता देना इस चीज़ के बारे में। बाकी यहाँ पे जो है आपका FM काम कर रहा है, और नीचे यहाँ पे ये जैसे कि GPS इंक्लूडेड के साथ आता है ये रोम, ये सारी चीज़ें फिलहाल हमें यहाँ पे मिल जाती है। वहीं इसका लॉन्चर आप देखोगे तो वेब ओएस लॉन्चर ही मिलता है जिसमें आइकन पैक भी दिया गया है, और प्ले स्टोर बिल्कुल सर्टिफाइड रहेगा यहाँ पे, तो दिक्कत नहीं होगी। सेफ्टी नेट आपका यहाँ पे पास है, विदाउट रूट आप आराम से बैंकिंग ऐप यूज़ कर पाओगे। और कॉलिंग के अंदर भी यहाँ पे आपका वोल्टी काम कर रहा है, वीडियो कॉल बिल्कुल आपको फिक्स मिल जाता है, ब्लूटूथ ऑडियो आपका मीडिया एंड कॉलिंग दोनों ही काम कर रहा है, तो कॉलिंग के अंदर भी आपको कोई दिक्कत नहीं मिलती है। और सेटिंग्स के अंदर जैसे कि नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर आपका वाईफाई काम कर रहा है, हॉटस्पॉट भी काम कर रहा है, और यहाँ पे कनेक्टेड डिवाइस के अंदर हमारा कास्ट जो है बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है, तो कास्ट के अंदर आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। डिस्प्ले के अंदर चलते हो तो यहाँ पे आपको ऑटो ब्राइटनेस का मिल जाता है, स्क्रीन टाइम आउट हो गया, नाइट लाइट हो गया जो कि काम कर रहा है, लॉक स्क्रीन के अंदर आपको चार्जिंग इन्फो मिल जाता है, यहाँ पे एज जो कि नोटिफिकेशन होता है वो आपको यहीं पर मिलेगा, और साथ साथ डिस्प्ले मीडिया कवर आर्ट मिल जाता है यहीं पर, और पॉकेट डिटेक्शन है, डबल टैप टू बैक काम कर रहा है, ब्लर आप यहीं से इनेबल डिसेबल कर पाओगे, साथ साथ डार्क थीम दिया गया है जिसको आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो, शेड्यूल सेट कर सकते हो, स्टेटस बार का ऑप्शन मिलता है जिसमें डबल टैप टू स्लीप हो गया, आइकन मैनेजर हो गया, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जिसमें आपको बैटरी आइकन स्टाइल भी आप यहीं पे चेंज कर सकते हो, परसेंटेज भी यहीं पे इनेबल करने के लिए दिया गया, और ट्रैफिक इंडिकेटर आपको यहीं पे मिल जाता है जो कि आप एक नॉर्मल स्टेटस बार पे आप इनेबल कर सकते हो, एक एक्सटेंड करने के बाद जो देखने को मिलता है उसके लिए भी दिया गया यहाँ पे, हालांकि एक्सटेंड वाला आप देखोगे तो यहाँ पे दोनों ही काम करता है, इनेबल करके आपको दिखा दूँ, एक्सटेंड वाला भी अभी इनेबल नहीं, अगर आप इनेबल कर दे तो थोड़ी देर वेट कर लेना या फिर एक बार रिबूट कर लेना डिवाइस को, ये काम करने लग जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो एक्सटेंड वाला काम कर रहा है, नॉर्मल वाला अभी काम नहीं करता, ये भी थोड़ी देर में काम करना स्टार्ट कर देगा, तो आप यहाँ पे घबराना मत, ये जो है काम करता है, बस ऑन करके थोड़ी देर छोड़ देना। और उसके बाद आपका रोटेशन काम कर रहा है, फॉन्ट साइज मिल जाता है, स्क्रीन सेवर NVR ये सारी चीज़ें मिल जाता है। कस्टमाइज के अंदर आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्टाइल एंड वॉलपेपर देखने को मिलता है जिसमें स्टाइल सेम ग्रिड नॉर्मली है, और यहाँ पे जो है आपका ये सारी चीज़ें क्लॉक स्टाइल मिल जाता है, तो ग्रिड काफ़ी सारे मतलब हैं, स्टाइल आपका नॉर्मल है,
और यहाँ पे आपका जो वॉलपेपर्स है, ये अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे वॉलपेपर्स आपको जो है ये तो लेटेस्ट आपको बाय डिफॉल्ट सेट मिल जाता है पहला वाला, लेकिन बाकी के आप देखोगे पहले के जो इसके वॉलपेपर्स थे वेब ओएस के, तो वो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। और यहाँ पे साउंड के अंदर जैसे कि हम चलते हैं तो साउंड के अंदर आपको नॉर्मली जो सेटिंग्स सभी मिलती उस तरीके से मिल जाती है यहाँ पे। लास्ट में आपको इन कॉल वाइब्रेशन भी देखने को मिलता है इसके अंदर। और ऐप एंड नोटिफिकेशन के अंदर चलते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे डिफॉल्ट ऐप, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे होम ऐप वेब ओएस देखने को मिल जाता है इसके अंदर, वेब ओएस है। और सिक्योरिटी में आपका फिंगरप्रिंट मिल जाएगा, फेस अनलॉक है और ऐप लॉकर, तीनों ही जो है लेटेस्ट बिल्कुल अपडेटेड मिल जाते हैं। फिंगरप्रिंट के अंदर आपका पैटर्न साइज जो है देखने को नहीं मिलता पैटर्न साइज, और फिंगरप्रिंट रिस्पॉन्स आप देख सकते हो कुछ इस तरीके जो है ये काम कर रहा है। और फेस अनलॉक भी आपको दिखा दूँ, हालांकि ये दोनों ही जो है यहाँ पे अच्छा ही काम कर रहा है, ख़राब नहीं है, अच्छा आपको मिल जाता है रिस्पॉन्स। और यहाँ पे हमारा जो लॉक स्क्रीन सेटिंग्स है कुछ इस तरीके से मिल जाता है इसके अंदर, ये सभी ऑप्शंस हैं। और यहाँ पे आपका फेस अनलॉक जो सेटिंग्स है वो भी आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो है ये फेस अनलॉक सेटिंग्स मिलती है। और ऐप लॉकर तो फिलहाल आपको लेटेस्ट ही मिलता है, जिसमें फिलहाल आपको यहाँ पे लॉक ऐप आफ्टर का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं। और नीचे हमें देखने को यहाँ पे मिल जाता है बैटरी का ऑप्शन, जिसमें आपको बैटरी सेवर देखने को मिल जाएगा, बैटरी मैनेजर है नीचे, बैटरी टेम्परेचर देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर हम बात करें बैटरी बैकअप की, तो यहाँ पे 4 आवर जैसे कि नॉर्मल ब्राइटनेस में भी यूज़ किया, 2 आवर यूट्यूब और 2 आवर एमएक्स प्लेयर पे वीडियो प्ले किया हूँ 4 आवर, तो जिसमें से 60% बैटरी हमें देखने को मिली। तो बैटरी बैकअप फिलहाल यहाँ पे बात करें तो अच्छी ही बैटरी बैकअप आपको देखने को मिल जाती है। और बैक करने के बाद अगर हम यहाँ पे चलते हैं फिलहाल डिजिटल वेबिंग की तरफ, तो डिजिटल वेबिंग का सपोर्ट यहाँ पे हमें मिल जाता है। और सिस्टम में देखोगे तो सिस्टम के अंदर आपको जेस्चर का ऑप्शन दिया गया, हालांकि यहाँ पे स्वाइप टू स्क्रीनशॉट दिया गया है, क्विकली ओपन कैमरा और सिस्टम नेविगेशन, लेकिन यहाँ पे सिस्टम नेविगेशन की सेटिंग्स आप देख सकते हो ये है, लेकिन ये जो है काम नहीं कर रहा है। तो ये कि यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है कि ये जो है फिलहाल काम नहीं कर रहा सिस्टम नेविगेशन। और नीचे आपका रिंगिंग हो गया, पावर मेन्यू हो गया और एडेप्टिव प्लेबैक होगी, ये सारी चीज़ें हमें देखने के यहाँ पे मिल जाती हैं। और जैसे कि बटन आपको दिखाई चुका हूँ, बाकी मल्टीपल यूज़र आपको देखने को मिल जाता है, तो ये सारी चीज़ें हमें मिलती है। अगर हम बात करें टूटो स्कोर की, तो 1,02,272 स्कोर है, तो स्कोर के मामले में भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा स्कोर देखने को मिल जाता है। वहीं इंस्टॉलेशन की अगर हम बात करें तो सिंपली वेब ओएस रोम आपको कर लेना है, जीएफ्स इसके अंदर इंक्लूडेड है, जैसे कि 1 GB प्लस साइज है, जीएफ्स इंक्लूडेड मिल जाता है, अलग से आपको जीएफ्स डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं हम रिकवरी के अंदर। रिकवरी पे आने के बाद आपको सिंपली वाइप पे जाना है, डॉल्विक कैश सिस्टम डेटा वेंडर पांचों को आपको सेलेक्ट कर लेना, बाकी रोम्स की तरह स्वाइप टू इंस्टॉल यहाँ पे स्वाइप टू वाइप मतलब यहाँ पे कर देना है। और ये जो है आपका वाइप हो जाता है, सिंपली आप अपने फाइल में जाकर के रोम को सेलेक्ट करना और इसे जो है स्वाइप टू इंस्टॉल यहाँ पे कर देना, रोम फ्लश हो जाए तो वाइप कैच कर देना, उसके बाद सिस्टम रिबूट सिस्टम पे क्लिक करके सिंपली रिबूट कर लेना। यहाँ पे जीएफ फ्लश करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये जो है यहाँ पे इसके अंदर आपको इंक्लूडेड मिल जाता है, तो सिर्फ आपको रोम फ्लश करना है, रिबूट कर देना है। और यहाँ पे जो इसका बूट एनिमेशन है वो भी मैं आपको दिखा दूँ, तो बूट एनिमेशन कुछ इस तरीके से मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे एनिमेशन के साथ जो है बूट एनिमेशन भी देखने को मिल जाता है। तो ये जो है इसका लास्ट भी आप देख सकते हो कुछ इस तरीके जो है वेब ओएस का एनिमेशन देखने को मिल जाता है। और गेम के अंदर बात करें तो गेम के अंदर आपका ग्राफिक सेम रहने वाला, बाकी रोम की तरह स्मूथ पे, हाई, बैलेंस पे, मीडियम तक, तो बस इतना ही ग्राफिक अनलॉक मिलता है। और वहीं अगर हम गेम की बात करें तो गेम जो है यहाँ पे फर्स्ट बिल्ड में जो है काफ़ी अच्छा, काफ़ी ज़बरदस्त के साथ देखने को मिल जाता है। हालांकि अगर हम बात करें कोरवस जैसे कि ये सब एंड्रॉइड 10 उसका जो है परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, उसके मुकाबले थोड़ा सा आपको डाउन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, उसके जैसा नहीं मिलता है अगर हम बात करें तो। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फर्स्ट बिल्ड इसका, आप देखोगे जैसे कि इसका एंटूटू स्कोर जो है 1,02,000 था, तो उसके हिसाब से ही आपको परफॉर्मेंस मिलने वाली, मतलब कि परफॉर्मेंस आपको ज़रूर यहाँ पे अच्छी मिलती है, ख़राब कैटेगरी में नहीं है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको गेमिंग की अच्छी मिल जाती है फर्स्ट बिल्ड के अंदर। ऐसे भी अगर आप देखोगे पूरे रोम को भी एनिमेशन काफ़ी अच्छा है, कभी कभार जो है ज़्यादा एप्लीकेशन आपके ओपन रहते हैं तब ऐप ओपनिंग में आपको हल्का फुल्का लैगिंग देखने को मिल जाती है, वो भी हैवी नहीं है, हल्का फुल्का देखने को मिलती है, बाकी रोम पूरा आपको काफ़ी स्मूथ मिल जाता है। और इसका गेमिंग भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा फर्स्ट बिल्ड के अंदर, स्कोर भी एंटूटू काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। तो यही सारी चीज़ें थी जो कि हमें इस बिल्ड के अंदर देखने को मिल जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अगर कुछ पूछना है तो कमेंट में आप जो है पूछ सकते हो। और बाकी यहाँ पे अगर आपको वीडियो जैसे कि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर कर लीजिएगा, ताकि अगले वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। तो आज के दिन बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।